एक दिन की बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, किसानों माफ करिएगा शहरी किसानों के चेहरे पर आई चमक। शहर के सबसे व्यस्त सड़कों में से एक पर रोपी धान, देखिए रीवा दर्शन की खास रिपोर्ट। रोज बनने बिगड़ने वाली सड़कों की हालत इन दिनों काफ़ी दयनीय हो रही है। ऊपर से अभी तक जो मौसम बेईमान हो रहा था अचानक मेहरबान हो गया। लग रहा था इस साल रीवा संभाग या फिर रीवा ज़िले या फिर रीवा शहर में धान की पैदावार नहीं होगी, लेकिन एक दिन की बारिश ने किसानों, नेताओं यानी पक्ष विपक्ष या फिर पेयजल डालने वाली कंपनी या फिर सीवरेज पाइप डालने वाली कंपनी में से कुछ को खुश और कुछ को गमगीन कर दिया। ऐसा होना स्वाभाविक था। जहां सत्ता पक्ष की मुश्किलें बढ़ी, वहीं विपक्ष की बल्ले बल्ले हो गई। ऐसे में सवाल उठना लाजिम भी है, ऐसा क्या हुआ? तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं रीवा शहर के विश्वविद्यालय मार्ग पर। यह सड़क रीवा से सिरमौर के लिए जाती है। इसी सड़क पर सबसे ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है इस सड़क में। आइए चलते हैं बच्चों से मिलने विश्वविद्यालय। यह क्या, रास्ते में भीड़ कैसी? चलिए इस दृश्य को गौर से देखते हैं। अरे वाह, सड़क बनी खेत, वह भी धान के खेत की। इसे हम एक बार फिर से दिखाते हैं। ये लोग जिस जगह पर धान की बुआई कर रहे हैं वह कोई मामूली खेत नहीं है, रीवा शहर का विश्वविद्यालय मार्ग है। यहाँ पर बाकायदे रोपा लगाए जा रहे हैं। सड़क बनी खेत पर कई खेतिहर मजदूर कार्य कर रहे हैं। अद्भुत आश्चर्यजनक खेत शायद ही पहले आपने देखा होगा। एक बार फिर से देखिए, चारों तरफ लोग आ जा रहे हैं, बीच में धान बोई जा रही है। गौर से देखने पर पता चला विपक्षी यानी सत्ता या यूं कहें विकास विरोधी कांग्रेसी अपने अंदाज में रीवा शहर के सड़कों पर विरोध जता रहे हैं। आइए बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष नगर निगम अजय मिश्रा बाबा और शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से। रीवा संभाग में काफ़ी अरसे बाद मौसम हुआ मेहरबान। मौसम की मेहरबानी से जहाँ किसानों में चेहरे पर चमक आ गई, वहाँ पर उनको मौका मिला धान बोने का। ऐसा लग रहा था इस वर्ष रीवा शहर में धान की पैदावार बिल्कुल नहीं है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो शख्सियतें मौजूद हैं, आइए उनसे सीधे बातचीत करते हैं। उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? भारतीय जनता पार्टी के रीवा के विकास पुरुष और पिछले 20 वर्षों से महापौर भारतीय जनता पार्टी का, शहर हो चाहे रोड हो, हर जगह धान रोपण का कार्यक्रम प्रतिपक्ष नेता अजय मिश्रा बाबा जी के नेतृत्व में, शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चलेगा। क्योंकि इन्होंने बातें बहुत की, आज गड़गड़ी जी ने एक बयान भी दिया कि मध्य प्रदेश की सड़कें बहुत अच्छी हैं, पहले जब कांग्रेस का समय होता तब खराब थी। ये धान रोपण का कार्यक्रम गड़गड़ी जी को दिखाने के लिए है कि सिंगरौली के अंदर भी हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने धान रोपण का कार्यक्रम किया, रीवा शहर में भी धान रोपण का कार्यक्रम होगा। और अभी हम प्रतिपक्ष नेता और हम सारे कांग्रेस के लोग रीवा से सतना ऑटो से हम जाने वाले हैं गड़गड़ी जी और विकास पुरुष को बताने के लिए कि विकास कैसा होता है। ये रीवा का जनमानस, रीवा का बुद्धिजीवी देखेंगे। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं। अजय जी, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने कहा था कि हमारे यहाँ की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर, लेकिन आपने उन सड़कों पर धान उगाने का प्रयास किया, तो क्या आप ये लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ की सड़कों पर धान भी उगाई जा सकती है? देखिए, मैं तो ऐसी फैमिली से हूँ कि मेरे फादर जॉइंट एग्रीकल्चर थे और मेरे घर में काफ़ी ज़मीन है, हम लोग किसान हैं। आपने जो कहा कि मौसम मेहरबान हुआ, तो मौसम मेहरबान हुआ उसके पहले हम लोगों ने बिहन डलवा दी थी रोपा करने की। रीवा की सड़कें वर्तमान में इस स्थिति में हैं, वार्ड नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सिरमौर चौराहे से इधर का जो भाग है, कि नगर निगम, यहाँ के स्थानीय मंत्री सम्मानी राजेंद्र शुक्ला, यहाँ की महापौर सम्मानीय ममता गुप्ता जी ने अपने हर भाषणों में हमेशा ये बोला कि रीवा महानगर की तर्ज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, महानगर बनने जा रहा है। और महानगर की दृष्टिकोण से जब हम लोगों ने कल की बारिश के बाद हमारे शहर अध्यक्ष, हमारे छोटे भाई गुरमीत सिंह मंगू जी, हमारी वरिष्ठ पार्षद नजमा जी, हमारे पार्षद साथी अशोक पटेल जी, राम प्रकाश भाई डैडू जी, नानू भाई, मनीष नामदेव, बबलू अक्रम, ये सब लोगों ने जब हम लोगों ने शहर का भ्रमण किया तो ये समझ में आया कि शहर के लोग कैसा नारकी जीवन जी रहा। आज हम लोगों को 3 वार्डों से बुलावा है। आपके सामने हम लोग एसपी ऑफिस में थे,
हमारी मंगू भाई से बात हुई, हमने कहा आप चले जाइए, 9 नंबर वार्ड से ये आए, वहाँ पर घुटने घुटने तक कीचड़ है 2 किलोमीटर तक। ये कहा जाता है कि रीवा शहर ने बहुत तेज़ी से विकास किया, जितना विकास पिछले 15 सालों में हुआ वो शायद कभी नहीं हुआ। नहीं विकास हुआ ना, विकास हुआ और विकास दिखता है। राजेंद्र शुक्ला जी ने समदरिया का विकास किया और समदरिया के नाम से पर्दे के पीछे अपना विकास किया, वो विकास दो ही लोग तक सीमित है, समदरिया और राजेंद्र शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला और समदरिया। विकास हुआ, हम कब बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ, विकास हुआ लेकिन विकास सिर्फ समदरिया तक सीमित रहे। वो जैसा कि विकास दिख रहा है मेरे हाथ में, ये आपके बोए हुए पौधे मौजूद हैं और ये सड़क रीवा शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है, पूरा विश्वविद्यालय इसी सड़क पर स्थित है, रीवा से सिरमौर रोड पर हम लोग खड़े हुए हैं। क्या इसी तरीके की पूरे शहर की सड़कें? 3 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा ये सड़क बन रही, दोनों सड़क तरफ नालियाँ, बीच में सड़क, जब ये बनाई जा रही थी यही मीडिया के लोगों ने इसकी गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाया और माननीय विधायक जी मंत्री जी से भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि विकास लोगों को पच रहा है, ऐसा नहीं है, ये गलत भावना है उनकी, विकास हम लोगों को पच रहा है। विकास उन्होंने किया है, इतना पर्याप्त विकास किया है कि उन्होंने कुछ बिल्डरों का विकास करा दिया, अपने काले धन का विकास कर लिया, विकास जनता का नहीं हुआ है। सामने बैंक है, स्कूल है, लोग घर तक नहीं जा पा रहे हैं, इसका विकास हुआ है। मीठे पानी की बात वो करते हैं, गली गली में 125 करोड़ रुपए से ऊपर खर्चा हुआ, लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। सीवरेज सिस्टम में 200 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, हम लोगों ने लोकायुक्त में 1 शिकायत दी, उस पर नहीं हुआ, हमने रिमाइंडर किया, तीसरी बार नहीं होगा, हम वोट जाएंगे। हम इस रीवा की जनता के टैक्स के पैसे से जो विकास हो रहा है उसका पैसा, एक एक पैसा कमाई का पैसा है, मध्यम वर्ग की परिवार यहाँ बसते हैं, गरीब लोग रहते हैं, कोई अरबपतियों का सहन नहीं है, यहाँ का उनके एक एक पैसे का हम हिसाब लेकर रहेंगे। ऊर्जा मंत्री ये बताइए, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस इस बार जितना एक्टिव नज़र आ रही है इसके पहले कहीं नज़र नहीं आ रही थी, क्या यह माना जाए ये चुनावी तैयारियों के हिसाब से आप काम कर रहे हैं या वाकई में आप जनता के? कांग्रेस पहले भी एक्टिव थी और अब भी एक्टिव है, कांग्रेस एक्टिव नहीं होती तो मेरे ऊपर 16 मुकदमे नहीं लगते, प्रतिपक्ष नेता के ऊपर मुकदमे नहीं लगते। कांग्रेस पहले भी एक्टिव थी, अब चुनावी समय आ गया तो लोगों को नज़र में ऐसा लग सकता है, आपकी नज़र में लग सकता है कि अभी एक्टिव है, अगर हम एक्टिव नहीं होते तो हम लोग के ऊपर मुकदमे, आम जनमानस के ऊपर मुकदमे के ऊपर। रीवा दर्शन से बातचीत करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस समय हम लोग खड़े हैं रीवा से सिरमौर जाने वाली सड़क पर, सड़क का हाल आपने देख ही लिया होगा, थोड़ी सी बारिश में इस सड़क में ये हाल है कि यहाँ पर जिस खेत में बोने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है उस पौधे को यहाँ पर रोपा गया है, जिसको धान का पौधा कहते हैं। आइए हम आप मिलकर कोशिश करें कि इस शहर का इस तरीके से विकास न हो, एक अच्छा काम हो, उस पर हमारे साथी भी शायद इस बात से सहमत होंगे।